एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये है मेरे ब्लैक का बॉक्स जिसको मैंने कल सेट किया था और इसमें रह गई थी कुछ शेप्स जो कि सेट हो ही नहीं पाई थी बॉक्स में जगह कम होने की वजह से। ये पूरा ब्रोकन है, ये ब्रोकन है, ये एग्जैक्ट शेप निकालो तो अनशिफ्टेड है, तो ये पूरा ब्रोकन है लेकिन इसमें सेट नहीं हो पाई थी, इसलिए इस डब्बे का सामान मैं इसमें डालूंगी और इसका इसमें। इसमें है चांदनी ब्रांड की स्लेट पेंसिल और मून शेप है, और ये है हमारी जलेबी। जलेबी मैंने निकाली थी ना, एक बार क्रंच करूंगी लेकिन मैंने क्रंच नहीं करी थी इस बॉक्स में डाल दी थी, वरना इसकी अर्दीनेस चली जाती है। बच्चा हुआ मून है हमारा, चंदा मामा दूर के ही हो गए। गंदा हो रहा है बॉक्स क्योंकि मैंने ना खोला नहीं था, बहुत टाइम से बंद रखा था ऐसे। पाउडर है जो नीचे निकल गया, अलग दिख रहा है ना रेड कलर। मैं जरा इसको साफ कर दूं, तब तक के लिए फोन यहां पर रख दो। कितनी अच्छी लग रही है रेड स्लेट पेंसिल बारीकी से, और कितनी बड़ी लग रही है साइज में। मैं कपड़े से साफ कर रही हूँ बॉक्स को, सूखे कपड़े से, एटलीस्ट जो पाउडर है वो हट जाए। अब करते हैं ब्लैक बॉक्स की सिफ्टिंग। वीडियो चल रही थी क्योंकि दूसरे फोन में ना मैं अपलोडिंग से लगा रखी है, इसलिए ये भी ना ब्रोकन है, पर मेरा मन नहीं कर रहा इसको ब्रोकन में डाल के, इसकी इज्जत कम हो जाएगी, स्टार शेप की अलग वैल्यू है, इसलिए मैंने इसको ब्रोकन में नहीं डाला। देखो नॉर्मल शेप के मेरे पास कितने कम आइटम बचे हैं, चिप्स और ग्रूव्स, ये टाइनी ट्राइंगल जिसमें से आधे से ज़्यादा ग्रे हैं, ये क्यूब जो सारे ही ग्रे हैं, एक एक लेयर इनमें ब्लैक की दिखती है बस, बाकी सारे ग्रे हैं। देखो ब्रोकन कितना सारा है, इतना सारा सही आइटम नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि अब मैं मंगवाती नहीं, मेरे पास बहुत सारा आइटम है, मेरा माइंड सेट हो गया कि मेरे पास बहुत सारा आइटम है, पर जब क्रंच करने चलती हूँ तो मेरे पास आइटम नहीं होता। मुझे ब्लैक बार खानी है, ही नहीं मेरे पास, ब्लैक किटकैट खानी है नहीं है मेरे पास, नॉर्मल साइज के ट्रायंगल खाने हैं वो भी नहीं है मेरे पास, और क्या क्या आइटम होता है वो भी नहीं है मेरे पास नहीं है, मेरे पास ख़त्म हो गए टाइनी ग्रूव्स चिप्स। इसके तो मैं ऐसे डाल दूँगी, कल ही तो मैंने बॉक्स ये सेट किया था, उसमें तो सारा आइटम आ भी जाएगा, लेकिन टाइनी पहले मेरे पास ब्लैक का कितना आइटम होता था, किटकैट लगाती थी मैं, लॉन्ग बार,
नॉर्मल साइज बार, टाइनी बार, ट्राइंगल्स इतना सारा हुआ करता था, लेकिन अब नहीं। यार पता है अलग अलग शेप से ही व्यू आते हैं, व्यू नहीं आते। कॉमन शेप को अगर मैं कंटिन्यू 10 बार खाऊंगी ना व्यूज़ नहीं आएंगे, इसलिए अलग अलग शेप होना, अलग अलग चीज़ें होना ज़रूरी है। और मैं स्टोव ब्लैक का मंगवाऊंगी, सिर्फ ये न्यू शेप है मेरे पास ब्लैक में, बाकी मैं मंगवाऊंगी, आज ही ऑर्डर करूंगी। देखो कितने अच्छे से आ गया सारा ब्लैक आइटम, और एक के ऊपर एक, और काफ़ी स्पेस भी है इस बॉक्स में। ये मुझे सलाह दी थी वाइट की फैमिली के मेंबर ने, और मैं शॉक्ड हो गई थी उनकी सलाह सुन के। उनको इतना भी पता है कि मैंने डब्बा कहाँ पे रखा है, मतलब बल्ब के नीचे साइड में डब्बा रखा हुआ है, उस डब्बे में चांदनिया भीम ब्रांड की स्लेट पेंसिल रखी है, ऐसा करके उन्होंने मुझे कमेंट किया था। सच में मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि आप मेरे साथ इतना जुड़े हुए हैं कि आपको मेरे कमरे के बारे में भी पता है, मेरे घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है ये भी पता है। सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच जिसने भी सलाह दी थी। मेरा बॉक्स बिल्कुल करेक्टली फिट हो गया है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, और इसमें स्पेस भी है। इन फ्यूचर 2-4 सेट और आ जाएंगी इसमें। ये बॉक्स सच में छोटा था और डैमेज था। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।